पहला सवाल राहुल जी से है, जैसे कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल, सेकंड बीजेपी क्वेश्चन सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, उन्होंने कहा ये नहीं को जो इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। तो ये मेरा सवाल दोनों से है। नहीं, दोनों से है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे थे। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है, वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है, इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। टाइम्स नाउ भारत, रंजीता, अखिलेश जी से। तो आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है, और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है, हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई, मीडिया में आपको बड़े बड़े एंकर्स दिखते हैं, आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तो हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जाति जनगणना, महिलाओं को एक गरीब महिलाओं को 1,00,000 रुपए, युवाओं को अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए, किसानों को MSP। तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया, तो ये हम करने जा रहे हैं। अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, वो तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या इंडिया गठबंधन का अपना कोई साझा जो है वो मैनिफेस्टो होगा? अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है, या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है, उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूँ जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीड़े की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे, उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। विक्रांत, एक चीज और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे, तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है, हम बातचीत करके कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल दो का जलता हो बाकी सब जीरो हो। अखिलेश जी समझने में वक्त लगेगा। अखिलेश जी,